हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चैप्टर नंबर 3 का है ये पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग दिस, आई वुड लाइक टू से कि हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा है, बिकॉज़ ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड को और डिराइव कर लेना है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो देखते हैं कि इसमें क्या स्टेप्स फॉलो हुए हैं। तो वैसे ही जैसे हमने करा था अपने एलिमिनेशन मेथड में, जिन्होंने मेरी एलिमिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वो काइंडली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को पहले स्टडी कर लें। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से हम समझते हैं कि हमने क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, ताकि हम जो बचा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ किया है, लेट्स टेक द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें पता है कि जब हम दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उनकी जनरल फॉर्म ये होती है, हमने स्टडी करा है ऑलरेडी, जनरल फॉर्म होती है ये a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब इसकी जो ये जो जनरल फॉर्म है, एग्जांपल फॉर्म में आप यहाँ देख सकते हैं 2x plus y equal to 3, 4x minus 2y equal to 6। नाउ ये जो 2 है, यहाँ पे a1 है, a1x plus b1y is equal to c1, यहाँ पे वैसे ही a2x माइनस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो ये होती है उसकी जनरल फॉर्म। तो चलिए अब क्या करना है, हमने नाउ टू एलिमिनेट वाई वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा इस इक्वेशन में कॉफिशेंट यूज़ हुआ है, कॉफिशेंट ऑफ वाई इन दिस इक्वेशन बी टू, इसको उठाएंगे और इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाली इक्वेशन में कॉफिशेंट यूज़ हुआ है वाई का, उसको उठाएंगे और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या करना है, दैट बी टू से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो मैंने जब बी टू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, बी टू इंटू a1x प्लस b1b2y प्लस b2c1 इक्वल टू 0। वैसे ही जो दूसरी इक्वेशन थी उसको मैंने पूरी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास b1 इंटू a2x प्लस b1b2y प्लस b1c2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। सो फ्रेंड्स, अब जब ये आ गया तो हमें पता है कि ये एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज दोनों तरफ वैल्यू सेम हो गई हैं, और हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो साइन, अब सब्ट्रैक्ट लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा नीचे वाला साइन। तो देखिए जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया b2a1x माइनस b1a2x, तो मेरे पास ये आया। अब अगली को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो b1b2y, अब यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी इक्वेशन को, तो माइनस b1b2y, तो ये कैंसिल हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया b2c1 माइनस b1c2, तो ये जब कैंसिल हो गए तो मेरे पास क्या बचा, मैंने क्या करा, जो मेरे एक्स वाले जो मेरी एक्स वाला पार्ट था उसको मैंने इकट्ठे कर लिया, और जो कांस्टेंट टर्म थे उनको अलग कर लिया। तो ये दो टर्म्स थी, तो यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, बाकी मैंने एज इट इज़ अंदर लिख दिया, a1b2 माइनस a2b1 इज़ इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1। नाउ यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू, अब ये पार्ट हमारा उस तरफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब मेरे पास ये x की वैल्यू आई है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, जब ये x की वैल्यू निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, हमने क्या करा, x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में डाला, तो मेरे पास क्या निकल के आया फ्रेंड्स, ये निकल के आ गई y की वैल्यू। यहाँ से दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, अब ये दो इक्वेशन आई हैं x की वैल्यू और मेरे पास आई है y की वैल्यू, अगर आप इनका डिनोमिनेटर पार्ट देखें तो दोनों तरफ सेम है, देख रहे हैं कि दोनों सेम है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो मेरा x अपॉन b1c2 माइनस, अब मैंने क्या किया, x के नीचे ये ले आई, मैं ये वाला पार्ट में इस तरफ ले आई x के नीचे, और उस तरफ क्या बचा, 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, तो ये पार्ट बचा था मेरा। तो इस पार्ट को
इक्वेशन नंबर 5 को मैंने ऐसे लिख लिया कि जो इसके यहाँ पार्ट था ये वाला ऊपर था पहले, तो मैं इसको इस तरफ ले आई, लिख सकते हैं हम इस तरीके से भी। अब y के पार्ट में भी मैंने ऐसे ही करा कि जो यहाँ y की वैल्यू में था यहाँ पर ये न्यूमिनेटर, इसको मैं नीचे ले आई। नाउ अगर मैं देखूँ यहाँ से, नाउ दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 upon a1 b2 minus a2 b1 एंड y अपॉन दिस इज ऑल्सो इक्वल। अब ये सेम है, देखिए ये अगर ये सेम है इट मीन्स कि ये वैल्यू हमारी सेम है, तो हम लिख सकते हैं x अपॉन b1 c2 minus b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 minus c2 a1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब दोनों तरफ सेम आ रही थी तो ये सारा हमारा इक्वल में आ गया। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y प्रोवाइडेड यहाँ पे ये डिनोमिनेटर पार्ट जो है मेरा ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये जो रिज़ल्ट है मेरा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा बहुत डिफ़िकल्ट सा कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए चलिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। नाउ यहाँ पे मैं रब कर लेती हूँ, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके हमने अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। तो मैं क्या कर रही हूँ अब आपके लिए, इसको मैं रब कर देती हूँ। नाउ अब हमने क्या करना है, इस रिज़ल्ट को, ये जो रिज़ल्ट आया है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है अब हमारा। नाउ इसको याद रखने के लिए, टू रिमेंबर दिस रिज़ल्ट, टू रिमेंबर दिस रिज़ल्ट, यहाँ पे एक इजी मेथड है क्या कि मैं ऐसे लिख लूँ पहले x, y एंड 1। अब इनके नीचे मैं यहाँ से शुरू करूँगी लिखना इनके कोफिशेंट्स, b1 b2 मैंने यहाँ लिख दिया, b1 b2 फिर लिखा c1 c2 फिर आ गए हमारे a1 a2 एंड एंड कहाँ पे हुआ, b1 b2, जहाँ से शुरू करा था वहीं पर एंड हो गए। शुरू यहीं से करना है सेकंड वाले वेरिएबल से। नाउ इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तभी इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, b1 into c2 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा दूसरा b2 into c1, दिस इज़ इक्वल टू y अपॉन, y के नीचे अब जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, c1 into a2, या लिख लीजिए a2 into c1 माइनस c2 into a1, या a1 into c2। तो ये चीज़ आ रही है, दिस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आएगा, 1 अपॉन a1 into b2 minus a2 into b1। अगर आप देखें ध्यान से तो यही रिज़ल्ट निकल के आया है, ध्यान से देखिएगा, x अपॉन दिस एंड y अपॉन दिस सिमिलर है सब। तो ये कैसे डिराइव होगा, ये इजी मेथड आपको मैंने यहाँ बता दिया है। अब देखिए यही हमने यूज़ करना है, ऐसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो अभी मैं आपको करके बताती हूँ कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस एग्जांपल मैं आपके साथ केसेस डिस्कस कर लेती हूँ जो हमें पता है ऑलरेडी, हमने अपने एलिमिनेशन मेथड में भी डिस्कस करे होंगे और अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। क्या डिस्कस किया है हमने, केस 1 दैट a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, देन वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके सेकंड केस क्या था मेरे पास, दैट a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1। जब सारी इक्वल वैल्यूज आ जाती हैं इट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, बस एक तरीका अलग है इसको, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का। केस 3 हमने डिस्कस किया था दैट a1 upon a2 तो इक्वल हो जाता है b1 b2 के, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ऐसी जब स्टेटमेंट या कंडीशन आ जाती है देन वी हैव नो सॉल्यूशन। ओके तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए मैं अब आपके लिए ये रब कर देती हूँ और हम करते हैं अपना एग्जांपल, और एग्जांपल के थ्रू क्लियरली हम समझ लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले क्वेश्चन अगर हमने करने हो उस मेथड से तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको एग्जाम्पल को यहाँ लिख लेती हूँ, 2x + y = 3 एंड 4x - 2y = 6। मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, 2x + y - 3 को इस तरफ ले आती हूँ
एंड नहीं भी लाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपके लिए यहाँ लिख दिया। नाउ ये हमारी है इक्वेशन वन एंड टू। अब यहाँ पे ए वन ये है, ए टू ये है, बी वन ये है, बी टू ये है, सी वन ये है, सी टू ये है। तो हमने कैसे लिखना है, वही मेथड एक्स वाई वन इस तरीके से लिखेंगे। एक्स के नीचे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो वन अपॉन माइनस टू, साइंस तो साथ ही आएंगे, इस तरीके से ये लिखे, फिर ये वाले लिखे, फिर ये वाले कोफिशेंट्स लिख लिए, टू फोर एंड साइन हमने एज इट इज़ नेगेटिव साथ में रखना है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से अगर क्लियर हो रहे हैं आपके कंसेप्ट तो दोबारा कहना चाहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब यहाँ से x अपॉन क्या आएगा, 1 इंटू माइनस सिक्स आ गया, माइनस सिक्स। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि मे बी साइन अंदर क्या आ जाएगा देख लेते हैं, 3 टू ज़ा सिक्स, बट ये तो पॉजिटिव आया, माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही इक्वल टू y अपॉन माइनस थ्री इंटू फोर इज़ माइनस ट्वेल्व, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन लगाया, अंदर देखते हैं सिक्स टू ज़ा माइनस ट्वेल्व, क्योंकि प्लस माइनस माइनस उसका अपना साइन भी लगेगा। वन अपॉन टू टू ज़ा माइनस फोर, क्योंकि नेगेटिव साइन था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन, ब्रैकेट में क्या आया, फोर वन ज़ा फोर। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है यहाँ पर। नाउ एक्स के नीचे क्या आया देखिए, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स तो कितना हो गया, माइनस ट्वेल्व। वैसे ही देखिए यहाँ पर इक्वल टू वाई के नीचे क्या आया फ्रेंड्स, माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, माइनस ट्वेल्व एंड प्लस ट्वेल्व इक्वल टू वन अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, दिस वैल्यू शुड नॉट बी ज़ीरो, हमने पहले भी करा था दिस, ये आ जाएगा माइनस एट। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, क्योंकि एक्स अपॉन माइनस ट्वेल्व इज़ इक्वल टू वन अपॉन माइनस एट कॉमा वाई अपॉन, अब देखिए ये तो ज़ीरो आ गया, दिस इज़ इक्वल टू वन अपॉन माइनस एट। नाउ एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो देखिए ये माइनस ट्वेल्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये माइनस एट यहाँ आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और देखिए कैंसिल करिए इसको, टू के टेबल से जा रहा है, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू फोर ज़ा एट, टू थ्री ज़ा सिक्स, सॉरी टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो x की वैल्यू मेरे पास आई थ्री अपॉन टू। ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, y की वैल्यू मेरे पास आ गई ज़ीरो, ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो x और y की अगर वैल्यू निकल के आ गई है, इट मीन्स इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे निकल के आएगी हमारे पास, चेक कर लेते हैं, ये यूनिक सोल्यूशन निकल के आई है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी फ्रेंड्स। और अगर देखें आप इसके कोफिशियंट्स को तो वो भी देखिए, जैसे हम चेक करते थे कंडीशन से, ए वन ये वाली कंडीशन से चेक करते थे, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, देख लेते हैं ये इक्वल है या नहीं है, इस केस में क्या आ रहा है, तो टू अपॉन फोर, वन अपॉन माइनस टू, यहाँ पे आ रहा है माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स, नेगेटिव थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा, तो देखिए ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज़ नॉट इक्वल टू, तो देखिए वन अपॉन टू इज़ नॉट इक्वल टू वन अपॉन माइनस टू इज़ नॉट इक्वल टू वन अपॉन टू, तो ये देखिए ये चीज़ हमारी इक्वल नहीं आ रही है, ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो जब ऐसा केस आता है तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन निकल के आता है, जो कि यहाँ पे निकल के आ गया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गया। सो फ्रेंड्स जिन्हें हमारी वीडियोज़ बहुत ही अच्छी लग रही हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनके नहीं भी हो रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को जब आप कमेंट कर दें एक अच्छा सा, उसके बाद लाइक करना भी ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।